खरगोन जिला अस्पताल सहित ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ डॉक्टरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की वजह से शासकीय अस्पतालों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह 9 बजे ओपीडी शुरू होती है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर के चेंबर खाली नजर आए। मुख्यालय के जिला अस्पताल में सुबह जब मरीज पहुंचे तो उनके इलाज के लिए आयुष और RBS के चिकित्सकों को ड्यूटी पर लगाया गया। हड़ताल के पहले दिन आयुष और प्रशिक्षु डॉक्टरों ने फिलहाल काम संभाला है, लेकिन पदस्थ चिकित्सकों की संख्या में इतनी उपस्थिति कम है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन प्रशासन ने इमरजेंसी के लिए निजी अस्पतालों को चिन्हित करने का दावा किया है। सुबह करीब 10:30 पर कलेक्टर शिवराज सिंह और SP धर्मवीर सिंह भी अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान CMHO डॉक्टर DS चौहान से व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। हड़ताल शुरू करी है, इसका कोई असर आप खुद मौके पहुंचे SP साहब के साथ क्या कहना चाहिए? जिला अस्पताल की महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है शासन की ओर से, तो इसमें मरीजों को कोई समस्या ना हो उसके लिए हम लोगों ने 18 आयुष डॉक्टर ड्यूटी भी लगाई है और हमारे पास में RBS के डॉक्टर ड्यूटी लगाई हुई है। व्यवस्थाओं पूरी नज़र है, कोई समस्या ना हो इसके लिए हमारे लगातार प्रयास जारी है। इमरजेंसी के लिए क्या व्यवस्था? इमरजेंसी के लिए हमारे पास प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, उनसे भी हम लोगों की टाइप हो गया है। यदि कोई ऐसी आवश्यकता होगी तो पेशेंट को यदि वहाँ पर भर्ती करना हो तो वहाँ पर भी भर्ती करेंगे और यहाँ दिखाना हो तो यहाँ पर भी दिखाया जाएगा। ये हड़ताल को समाप्त कराने के कोई प्रयास वगैरह? अब वो शासन स्तर पर बात चल रही है, वो क्योंकि शासन स्तर का मामला है तो उसके लिए शासन स्तर से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबको पता लग जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।